डायमेंशन ऑफ सी कैलकुलेट करना, डायमेंशन ऑफ सी, सी डायमेंशन ऑफ सी अच्छा करना, सिंपली सिंपलीफाई करना, डिस्टेंस है, डिस्टेंस यूनिट है मीटर, एंड सी तमाम के फाइंड आउट करनी है, टाइम यूनिट है सेकंड, इट इज एस टी क्यू बाय टी इन द सेकंड क्यू, यही थी इन मीटर पर सेकंड क्यू इक्वल्स टू सी, जो जो एस क्यू को डिवाइड को करे, मल्टीप्लाई को करे, बस ये दो चीज़ करे डिवाइड, एंड फाइनली इट इज एल टी माइनस थ्री इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू एल टी माइनस थ्री। ठीक है बाबा, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन। पर अगर सम हाउ तमाके हन तरह जो क्वेश्चन मिले तो हन तरह जो क्वेश्चन यो ही क्वेश्चन अगर तमाके इन कंडीशन में मिले तो you people won't be able to find out by this method. So agar taake ye question ei simple equation hin tarah je mile thi, s equals to vi t plus 1 upon 2 at square, find the dimension of VI. Any one of you can calculate the dimension of VI? तो हम अकेर ब VI जी dimension calculate कर सके तो तर्किला नायाब and अनमोल। सर ऐसा हो जाए को इकड़ा तर्किला नाम आवाज में जाम शोर पे चलो बाबा तकिला तां जे आवाज में जाम शोर पे चो हो यस सर हां तो सॉल्व कर सको था इनके आया सर आओ नहीं सॉल्व करना है इनके सर 1 अपॉन 2 80 स्क्वायर कट की विंडो चुरोन में वीआई ना है इना करे एस इक्वल्स टू वीआई टी ना बाबा ना कट जी दी विंडो पर एनजे करे ना तो में वीआई ना है 1 अपॉन 280 स्क्वायर कट जी विंडो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रूल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जेका हन वीआई टी जी डायमेंशन होंदी पूरे वीआई टी जी डायमेंशन होंदी वही हन एसी डायमेंशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जेका हन 1 अपॉन 280 स्क्वायर जी डायमेंशन होंदी वही हन एसी डायमेंशन होंदी तो फाइनली जब असा इनके सिंप्लीफाई कंदासी तो जेका हन जी डायमेंशन है सपोज के हन जी डायमेंशन मीटर है लेंथ है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रूल द डायमेंशन ऑफ दिस वीआईटी होल टर्म विल आल्सो बी एल एंड द डायमेंशन ऑफ दिस होल टर्म 1 अपॉन 280 स्क्वायर विल आल्सो बी एल द एल प्लस एल थी विंदो 2l एंड 2 न्यूमेरिकली या डायमेंशनली का वैल्यू नथो रखे सो इन दैट केस अगर असाट एड़े किस्म जो क्वेश्चन अच्छे ने तो असा 1 अपॉन 280 स्क्वायर इन करे नेगलेक्ट कंदासी छो जो असा के फाइंड आउट छा करनो है वी आई 1 अपॉन 280 स्क्वायर नेगलेक्ट करन जो मतलब है त असा इन के अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी न्यूमेरिकली खत्म बे करे एल प्लस एल 2l थी विलो तो मतलब ही बे एल है ही बे एल है त इन के अगर असा नेगलेक्ट कयूं पया त इन जी इक्वेशन ते इन डायमेंशन ते को फर्क कोन पंदो the dimension of s will be same and he simple question par kade kade ke mushkil question achi na to the principle of homogeneity tawange help kare sagado je tawange ekdo byo question budayo yo agar tawange yaad hai to this one dimension of alpha calculate karni hai can you people yes sir हाँ ऐसो ही वो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन में तीन क्वान्टिटीज एत ज्यादा याद को होंदिटेंस एतरी ज्यादा को अवेयर ऑफ सच क्वान्टिटीज वेरी वेल अगर अड़े किस्म क्वान्टिटीज अची थी वन एंड
the examiner asks about the dimension of the alpha, how will you calculate the dimension of alpha? The principle of homogeneity rule helps here. तमाहे ते हिनवारे टर्म के neglect करी चली गा. ये उनका वो ही वारी जगह dimension है वो तमाह calculate कर सकूँगा. Otherwise, you people are unable to solve the dimension. इवारो टर्म neglect करन्दा उनका कोई जगह है तमाह solve कर सकूँगा. Otherwise, न था solve कर सकूँ. Means this term needs to be neglected to find out this term. इतने संगें जी खबर भी कौन है? But according to the principle of homogeneity rule, जगह हिन टर्म जी dimension होंगी, वही dimension हिन c जी होंगी. जगह हिन alpha t जी dimension होंगी, वही dimension हिन c जी होंगी. क्लियर है? Yes sir. ठीक है. दिसो. You are a dimension कहीं उधर दिसो. This term would be neglected. S is meter, VI is to find out karna, and for time we use second. So meter per second equals to VI, VI equals to L T minus L. The dimension of the physical quantity is LT minus L. अच्छा बस समझ बाबा थैंक यू पूछूंगा नो सर C equals to alpha T वाली dimension कराए अच्छे थी बाबा बताओगे याद है सेरन में सी जी वैल्यू छा हुई हां दिसो सी इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी सी इज हीट कैपेसिटी एंड टी इज टेंपरेचर And alpha is coefficient of linear expansion. बाकी बीटा बीटा तो लाइबा के अलग सुखे नमने याद होंगे बीटा सांकुर जगह याद नहीं दो जब बीटा इक्वल्स टू थ्री अल्फा बीटा इक्वल्स टू थ्री अल्फा मैं बात कुछ याद अच्छे तो बाबा ओ यस सर अच्छे तो ना याद असांगे याद है बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इतना सब ये जो है ना डेरिवेशन रटे आया समझ में कहीं कौन आई रटे एग्जाम से क्या आया तो देखा वटी लाइव आयो नालो शर्म बुटी रहे सो डू यू पीपल रिमेंबर दिस सी सी चाहे हीट कैपेसिटी है एंड टी इज द टेंपरेचर एंड अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हां ता के अगर फाइंड आउट करनी है बीटा टी क्यूब तो यू विल नेगलेक्ट दिस टर्म वुड बी नेगलेक्टेड neglected this term would be neglected baki the answer bacho c equals to alpha t you people should know that heat capacity capacity jo unit hai heat capacity unit hai joule per kelvin heat capacity unit hunda hai joule per kelvin means energy per unit temperature heat capacity unit hunda hai energy per unit temperature alpha ta ke find out karno hai temperature unit hai kelvin इवारो केल्विन हिते आहे हेडा अची करे डिवाइड कंदो सही थी वेंदो जूल पर केल्विन डिवाइडेड बाय अगेन केल्विन इक्वल्स टू अल्फा हिते केल्विन दे पावर 1 प्लस जो है मथे वेंदो छा थी वेंदो माइनस जो तो ही थी वेंदो जूल
k minus 2, just like this. Alpha will be j joule per Kelvin square. This will be the dimension of alpha. Joule per Kelvin square. Clear? Yes, sir. Yes, sir. And last question, Azan. लास्ट क्वेश्चन है करे तारे खैर एकड़ो क्वेश्चन बताना है करो फिजिकल क्लास हो जाए तो सभी क्वेश्चन ता ही सॉल्व कराया लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन प्रेजेंट कहां पे दिसो एस्टीमेट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ गैसोलीन used by cars in Pakistan each year. Consider cars in Pakistan are Pakistan yandar ke ganu car hain 5 lakhs 10 5 lakh car hain theek hai suppose the number of cars in Pakistan are 5 lakhs number of cars in Pakistan are 5 lakhs. 5 lakh car on. Average distance traveled by each. Har car hikre saal mein 16,000 kilometer distance travel kare thi. Average distance. गैसोलिन कंज्यूम्ड पर लीटर ते हिकड़ी कार जे कहन केतरो गैसोलिन मतलब हिकड़ी कार जे कहन 6 किलोमीटर पर लीटर हले थी 6 किलोमीटर पर लीटर ईच कार जे का है वा मूव करे थी ईच कार What you have to calculate this on the number of cars in average distance per year and petrol gasoline consumption of 6 km per liter. Average hikri car jaka hai, hikri car, 16,000 kilometer jaka hai, the distance travel kare di hikri saal mein. Tama ke budayana to total petrol ke through consume thi. Sabne ka pehra jaka number of cars and mathe 5,000. सॉरी 5 लेग्स उनन के तवा छा कराइंदा डिवाइड कराइंदा छासा जेको एवरेज जेको गैसोलिन कंजप्शन है त पर लीटर ते पेट्रोल केत्रो को कंज्यूम थे अच्छा इनमें हिन तरह से पहला हेलो सही है दिसो इनमें लिखेल है त पेरा सबने का पेरा जेको टोटल डिस्टेंस कवर थी है टोटल डिस्टेंस उनके डिवाइड कराइया एवरेज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सा जेका है 6000 त वो आईया कुछ 2,666.67 and this is the matlab pure saal mein har car hetero petrol use kar rahi thi 2,666.67 liter to wo 5 lakh caron ketro kandi to simply asan unke cha karainda si multiply karainda si so karaya to board te ho theek hai bhai sir na सबने का पहरिया एवरेज गैसोलिन कंज्यूम्ड पर ईयर जेको है गैसोलिन केतरो को कंज्यूम किए हर कार वो फार्मूला छ है असन जो डिस्टेंस सिंपली असन छ करना है
मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एतरो डिस्टेंस हर कार जो है ना ट्रेवल करे भी 16,000 किलोमीटर जो 16,000 किलोमीटर हर कार पर लीटर पे 6 लीटर पेट्रोल हर जो है 6 किलोमीटर ते एकड़ो लीटर पेट्रोल साढ़े भी हर लीटर ते 6 किलोमीटर पेट्रोल जो है 6 किलोमीटर जो जो डिस्टेंस ट्रेवल करे थी तो असन छा कंदा सिंपली जो को डिस्टेंस है 16,000 यो असन ओवरऑल डिस्टेंस है पूरे साल में हेतरो कार डिस्टेंस ट्रेवल करे थी उनके 6 से डिवाइड करे ना 6 छ एवरेज कैपेसिटी है मतलब ता अपनी गाड़ी में अगर 1 लीटर पेट्रोल विझंदा तो ता गाड़ी 6 किलोमीटर हलदी अगर तानी गाड़ी 16,000 किलोमीटर पे हले तो माना तानी गाड़ी एवरेज केत्रो गैसोलीन कंज्यूम भी करे एयर में उनकी वैल्यू आई हुई कुछ 266 करे ता देखो घणी वैल्यू आई हुई 16 2,666.66 लीटर गाड़ी जो है ना पूरे साल में पेट्रोल कंज्यूम करे थी हाँ टोटल नंबर ऑफ कार्स के थ्री total number of cars and 5 lakh 5 into 10 is power 5 multiply by 5 lakh car and hikri car agar hetro pi consume kare yo simply direct proportion jo question hai agar ta hikri pencil vatho ta 10 rupees mein so what will be the price of 5 pencils such pencils ta ta cha kanda 5 multiply by 10 50 kanda in the same way hikri car per year mein hetro petrol consume kare thi hetro gasoline consume kare thi ta हेतरो कार्स केतरो गैसोलीन कंज्यूम करंदी वी विल मल्टीप्लाई दिस बोथ क्वांटिटीज असाइनमेंट के कराइंदा से मल्टीप्लाई एंड वी विल हैव द आंसर मल्टीप्लाई बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर कौन है वैल्यू कौन पीछे वैल्यू बुदायो घणी दिए छे बाबा पावर में वैल्यू इंदी वैल्यू बुदायो घणी दिए छे कैन कैलकुलेटर है नायाब यस सर इकरा में लिखो 5 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 2,666.66 सर कितना 6 इन 2 6 2 का पर 3 6 इन पॉइंट का बबा पॉइंट का बबा सर 13.33 × 10⁸ हेत्रो जो को है 13.33 × 10⁸ यस सर ठीक है बाबा क्वेश्चन समझ में आया तो आगे दिसो सबने का पहले तो आगे बताया तो पाकिस्तान के अंदर 5 × 10⁵ या सिंपली 5 लाख कार एंड हर कार एकड़े साल में 16,000 जो एकड़ो एवरेज डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करे थी हर कार एकड़े साल में 16,000 जो एवरेज डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करे थी हर कार जो है पर लीटर पे एकड़े लीटर पे लिखो पहले 6 किलोमीटर पर लीटर हर कार 6 किलोमीटर पर लीटर हर जो है कार एवरेज जो को है हर कार जो यूज़ है 6 किलोमीटर पर लीटर नाउ यू हैव टू कंज्यूम यू हैव टू कैलकुलेट द सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जेके कारूं हैं जेके गाड़ियां हैं के कार वो केतरो पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हो सिंपली ऐसा क्या करेंगे दादा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय जेका उनकी एवरेज कैपेसिटी है 6 असा का थियो तो हर कार एकड़ी कार जेका है वो 2666.66 लीटर कंज्यूम करे थी पर ईयर लीटर इते भले लिखी छ असा पर ईयर एकड़े साल जे अंदर हर कार जेका है वो हेत्रो पेट्रोल कंज्यूम करे थी 2666.66
लीटर पर ईयर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दीस नंबर ऑफ कार, मतलब 5 इनटू 10 इज पावर 5 केतरो कंज्यूम कंदी त असा सिंपली उन क्वांटिटी सा छा कराइंदा सी मल्टीप्लाई एंड वी हैव द आंसर द हेट्रो लीटर जको है कार हेतरी कैपेसिटी उनन के खपे हेतरो लीटर उ कंज्यूम कंदी. क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अरे बाबा पूछो कुछ क्वेश्चन में जो कुछ स्क्रीनशॉट वठनो है ता ता के थोड़ो कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह वठनो है तो ले लो. आओ बाबा कुछ पूछना है? नो सर. मोशन अच्छा हाँ तुम दिसो एक क्वेश्चन तक जान तो इफ होमवर्क क्वेश्चन है इफ लेंथ फोर्स एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज if length force and time are the fundamental quantities what will be dimension of mass homework question hai kare chu ta ke mu dimension sekhari an kuch chayu kon sekhari van jo reason hai I want you people to search by yourself. So, जो ही book में शायद कौन है नहीं extra शायद and these things will be very helpful for you in the entry test. Here साना तो आया था MCQC practice करो ताकि खबर पे ते केड़ा question की होगा. If length, force and time are the fundamental quantities, what will be the dimension of mass? उनका आपको view quantities हम जानते हो. Mass, pressure. मास प्रेशर टॉर्क एनर्जी दैट्स इट. इफ लेंथ फोर्स एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ मास प्रेशर टॉर्क एनर्जी असान फंडामेंटल क्वांटिटीज छा होंदन असान फंडामेंटल क्वांटिटीज हुन लेंथ मास एंड टाइम याद ता के असान फंडामेंटल क्वांटिटीज असा खंदा आयो ही मास लेंथ एंड टाइम बट हियर आई हैव गिवन यू द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ फोर्स एंड टाइम. अगर इन तरह जो क्वेश्चन अची तो वने ता इफ लेंथ फोर्स एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी हाउ विल यू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ मास मास डायमेंशन की कैलकुलेट कंदा थी बुक उत टिक कंदा तो केडी डायमेंशन थी प्रेशर टॉर्क ही वो तो ता नॉर्मली इजीली करे ता प्रेशर जी सपोज कर ता के अगर प्रेशर ही डायमेंशन करे प्रेशर छ जे बराबर है प्रेशर जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ता छ कंदा न्यूटन के खोलिंदा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हते ता जे लाई इजी है छ जो हते ता के फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड मास लेंथ एंड टाइम तो तमा इनके जने सिंपलीफाई कंदा थी तमा अची विंदो kg m minus 1 एंड s minus 2 m l minus 1 t minus 2 सो दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस जने ता के लेंथ मास एंड टाइम जेके एहन असन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज ता ओई यूज करो बट इन द केस व्हेन यू आर गिवन सच क्वेश्चन इफ लेंथ फोर्स एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज यो थोड़ो डिफरेंट क्वेश्चन है यू पीपल नीड टू सर्च इट आउट ताकि सर्च करनो पंदो सर्च कयो एंड गो थ्रू दिस क्वेश्चन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विल यू कैलकुलेट सच क्वांटिटीज देन
लेंथ फोर्स एंड टाइम या बी का क्वांटिटी अच्छी सके थी लेंथ फोर्स एंड टाइम नो अच्छी सके तो नहीं चले लेंथ लेंथ मास एंड फोर्स कुछ भी चेंज कर सके तो है ना मकाब क्वांटिटी चेंज करे इन तवा के चवे नाउ कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ही काब फिजिकल क्वांटिटी देन हाउ विल यू कैलकुलेट क्लियर है बाबा सर जी बाबा सर एक रो क्वेश्चन जी बाबा पूछो सर यो ये के बियो एसआई यूनिट्स के अलावा जे के ब्या इन ये उनन में को आए यो ना 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 उनन में को ना ता सर्च आउट कजो नॉर्मली जी असा कंदा यो यही कबो तुम के अंदर कुछ ट्रिक्स हैं जे के मुदा में कौन बतायो आई वांट यू पीपल टू सर्च इट आउट ता पर सर्च आउट कयो एंड इफ यू पीपल विल फेल आई विल बी हियर टू हेल्प यू बट गो थ्रू दिस क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and have been repeated in the entry test medical entry test many times so please go for this question okay yes sir Allah Hafiz Allah Hafiz Allah Hafiz Allah Hafiz